दोस्तों नमस्कार, जिक्स एंड फिक्सर की नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। जिक्स एंड फिक्सर्स में कल हमने आपको बताया था, मिस पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जिक्स का और फिक्सर्स का कार्य क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर कंसिडरेबल इन डिजाइनिंग द जिक्स एंड फिक्सर्स। जब डिजाइनिंग करना हो जिक्स एंड फिक्सर का, तो निम्नलिखित बातें हमको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? एक्यूरेट लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एक्यूरेट लोकेशन कहां है, मिस प्रोडक्शन होना कहां है। क्लैंपिंग द प्रोडक्शन, अब जो कार्य कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे, उसमें क्लैंपिंग का क्या प्रोसीजर है। सिलेक्शन ऑफ बुशेस फॉर करेक्ट स्टाइल एंड साइज, करेक्ट स्टाइल और साइज के लिए जो है किस प्रकार के बुशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। इजी एंड क्विक रिमूवल ऑफ प्रोडक्शन, इजी और रिमूवल मतलब जल्दी काम खत्म करने वाला और जल्दी होने वाला जो है ये प्रोडक्शन है। इकोनॉमिक कंडीशंस और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह क्या है ये देख करके हमको इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिक्स एंड फिक्सर के प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए, मतलब ध्यान में रखने चाहिए। अब बात होती है जिग बुशिंग की। बुश दोस्तों, हमने जब आपको पहले बियरिंग के बारे में पढ़ाया था, तो बियरिंग के अंदर भी हमने आपको बुश बताया था, बुश बियरिंग, बुश लगा हुआ होता है उसके अंदर। तो यहां पर भी तो जो हम इस्तेमाल करते हैं आपके क्या कहते हैं जिक्स एंड फिक्सर्स, तो उनमें भी जिक्स के अंदर जो है या फिक्सर्स के अंदर जो है किस प्रकार की बुश का इस्तेमाल करते हैं। बुशेज आर एक्सटेंसिवली यूज इन द ड्रिलिंग जिग, ड्रिलिंग जिग के अंदर जो है बुश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ए बुश फिट्स इनटू द होल ऑफ द जिग थ्रू विच द ड्रिल पासेस, एक बुश फिट कर देते हैं होल के अंदर जिसके अंदर से जो है ड्रिल को गुजरना होता है। तो कौन सी फिट, बुश फिट पूछ लेते हैं कौन सी फिट होती है, तो बुश फिट बोलेंगे आप, बुश फिट की, सॉरी बुश को फिट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये तो अलग बात है, आगे बताएंगे। थ्रो विच द ड्रिल पासेस, उसके अंदर से पासेस होकर मतलब जो ड्रिल गुजरेगा जहां से। द डायमीटर ऑफ बुश डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, अब जो बुश का जो डाया होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो ड्रिल के डाया पर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुशेस आर स्पॉट वेल्डेड और स्क्रूड विद द जिग, जो भी आपके बुशेस जो होते हैं जितने भी हैं, तो उनको स्पॉट वेल्ड करते हैं साथ में उनके, या फिर स्क्रूड के थ्रू जो है जिग के साथ उनको जोड़ देते हैं। हेडलेस टाइप बुशेस आर प्रेस फिट, जो हेडलेस बुश जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रेस फिट। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कौन सी फिट होती है हेडलेस बुश के अंदर, तो जो हेडलेस बुशेस जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हमारी प्रेस फिट होती है। इन द होल ऑफ द जॉब, द होल ऑफ द जॉब, जो जॉब का जो होल है उसके अंदर कौन सी फिट होती है, प्रेस फिट, ये ध्यान रखना। फिगर शोज अमेरिकन स्टैंडर्ड बुशेस, अब ये जो फिगर जो है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड बुशेस के फिगर है। बुशेस आर जनरली मेड ऑफ ए गुड ग्रेड ऑफ टूल स्टील, ये बुश जो बने होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि बुश किस मटेरियल के बने होते हैं जिक्स के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये टूल स्टील के बने होते हैं जो गुड ग्रेड की होती है, अच्छी ग्रेड वाली टूल स्टील के ये बने होते हैं। तो इंश्योर हार्डनिंग एट ए फेयरली लो टेम्परेचर एंड टू लेसन द डेंजर ऑफ फायर क्रैकिंग, मतलब उन पर जो है फायर क्रैकिंग का कोई असर वगैरह ना होना चाहिए, और लो टेम्परेचर पर भी वो ठीक से काम कर ले, हार्डेंड होनी चाहिए लो टेम्परेचर पर। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड बुशेस आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड बुशेस जो है हमारे, ये तीन कैटेगरीज में बांटे गए हैं। पहले होते हैं रिनेबल बियरिंग बुशेस, ये स्लिप एंड फिक्स्ड दो टाइप के होते हैं, उनमें से फिगर भी अभी हमने एक एक टाइप के लिए है सभी, ये तीनों के फिक्स टाइप के हैं। प्रेस फिट वियरिंग बुशेस, ये हेड एंड हेडलेस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है लाइनर बुशेस, लाइनर बुशेस
ये हेड एंड हेडलेस टाइप के दोनों ही जो है ये होते हैं ये भी, और इनको मास्टर बुशिज भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके लाइनर बुशिज जो होते हैं इनका दूसरा नाम क्या है या मास्टर बुशिज का दूसरा नाम क्या है, तो एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो दोस्तों ये रेनेबल बियरिंग बुशिज है हमारे, और ये आपका प्रेसफिट बियरिंग बुश है, और ये आपका लाइनर बुश है। तो ये तीनों फिगर आपके बुश के लिए रखे हैं। नेक्स्ट, बुशिज आर स्पेसिफाइड बाई गिविंग इन ऑर्डर टाइप, आउटसाइड, डायमीटर, लेंथ, ड्रिल साइज। अब जो बुशिज जो होते हैं इनको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, तो इनको स्पेसिफाई करने के लिए ये ऑर्डर क्रम दे रखा है, एक तो टाइप के अनुसार, दूसरा आउटसाइड डायमीटर के अनुसार, तीसरा लेंथ के अनुसार, और चौथे आपके ड्रिल साइज के अनुसार। इन चारों तरीके से जो है हम बुशेज को स्पेसिफाइड करते हैं। अब बात आती है जिग बॉडी, मीन्स जो जिगजो होता है उसकी बॉडी कैसी होती है। जिग बॉडीज मे बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जिग बॉडीज को हम जो है दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है ओपन बॉडी और दूसरी होती है क्लोज्ड बॉडी। तो ओपन बॉडी हैज ड्रिलिंग बुशेज, जो ओपन बॉडी होती है उसके अंदर ड्रिलिंग बुशेज होते हैं इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, पैरेलल टू द अनदर, और एक दूसरे के क्या होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यानी जो आपके ओपन बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन बॉडी हैज ड्रिलिंग बुशेज एंड इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू ईच अदर। दूसरे होते हैं क्लोज्ड बॉडी, क्लोज्ड बॉडी हैज ड्रिलिंग बुशेज, इसके अंदर भी ड्रिलिंग बुशेज होते हैं इन वेरियस प्लेन्स, लेकिन इसमें प्लेन्स क्या है, अलग अलग प्लेन्स पर, एंड डायरेक्शंस, डायरेक्शन भी अलग होगी और प्लेन भी अलग होगा। पहले वाले में क्या था, प्लेन एक ही था, सेम प्लेन था और पैरेलल टू ईच अदर था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेरियस प्लेन्स हो सकते हैं और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। दैट इज द ड्रिलिंग ऑपरेशन इज डन फ्रॉम वेरियस प्लेन्स एंड डायरेक्शंस, क्लोज्ड बॉडी इज ऑफ ए बॉक्स टाइप। तो इसकी जो बॉडी जो होती है वो बॉक्स टाइप होती है, और इसके अंदर जो है फिर वेरियस प्लेन से और वेरियस डायरेक्शन में हमें जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। द मटेरियल ऑफ जिग बॉडी, अभी जिग बॉडी जो होती है किस मटेरियल की बनी होती है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। द मटेरियल ऑफ जिग बॉडी शुड बी रिजिड, मतलब मजबूत होना चाहिए, रिजिड का मतलब रुका हुआ, मजबूत। तो मजबूती के लिए हम अधिकतर दोस्तों सीआई यानी कि कास्ट आयरन के, जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी मशीन वगैरह हैं, लेथ वगैरह होगी है जिनके भी, या मिलिंग है जो भी है, अधिकतर जितनी भी भारी मशीनरी होती है या फ्लाई व्हील वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन रिजिड होता है। Hence, jig bodies are made of cast iron. इसलिए रिजिड की वजह से, रिजिड रहे, मजबूती बनी रहे, तो जो जिग की जो बॉडीज होती है दोस्तों उनको कास्ट आयरन के बनाते हैं। बट वेल्डेड स्टील इज नाउ बीइंग यूज्ड सक्सेसफुली, लेकिन आज की डेट में जो है वेल्डेड स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल आज की डेट में किया जाता है। इन डिजाइनिंग द जिग बॉडी, जब जिग की बॉडी को डिजाइन करते हैं हम, केयर शुड बी टेकन फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनको सावधानियां बरतनी चाहिए कि क्या क्या सेफ्टियां, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। Sharp corners should be removed. All valves should be removed and large jigs should be provided with hooks for handling with care. जो sharp corners होते हैं, sharp corners को जैसे कि मान लिया एक ये दो corner मैंने ऐसे जोड़े, तो ये जब sharp corner होते हैं तो sharp corner से क्या होता है कि चीज की मतलब कोई भी पार्ट्स वगैरह है या मतलब मनुष्य के आदि वगैरह के डैमेज होने के खतरे रहते हैं, क्योंकि शार्प एज होती है तो टूट भी सकती है, जल जाएगी और वर्कर को चोट भी लग सकती है। इसलिए इनको शार्प एज ना बना करके राउंडेड शेप में कर देना चाहिए, इनको इनको जो है मतलब राउंड शेप कर देना चाहिए, फ्लैट रेडियस वगैरह बोल देते हैं उसको, फ्लैट रेडियस वगैरह लगा करके या चैम्फर वगैरह। और जो भारी भारी जो जिग्स होते हैं, मतलब जो लार्ज होते हैं जिग्स, उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनके अंदर एक हुक होना चाहिए ताकि हैंडलिंग करने में आसानी हो
और केयर के साथ उसको जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर फिट कर सके, ले जा सके। तो ये दोस्तों ये थे जिग बॉडी, दो तरह की बताई थी, ओपन बॉडी और दूसरी कौन सी बताई थी हमने, क्लोज बॉडी। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिप्लोमा वगैरह में पूछ लेते हैं इससे। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग जिग्स एंड फिक्सर, मीन्स जब हम डिजाइन करते हैं जिग्स एंड फिक्सर को, तो हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसका ध्यान देना। तो स्टडी ऑफ वर्क पीस, सबसे पहले तो जो वर्क पीस है हमको उस पर स्टडी करनी चाहिए कि मतलब किस वर्क पीस पर क्या कार्य करना है हमको। एंड फिनिश्ड कंपोनेंट साइज एंड ज्योमेट्री, और जब उसके बाद कंपोनेंट बन जाए, कंपोनेंट बनने के बाद उसकी ज्योमेट्री कैसी है और उसका साइज एक्यूरेट है या नहीं है, ये चीज चेक करनी है। टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ द मशीन, इट्स एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन, अब उसकी कैपेसिटी कितनी है मशीन की, मतलब कितनी देर तक वो जो मशीन जो है कार्य कर सकती है, जिस मशीन पर हम उसको पार्ट्स को बना रहे हैं। प्रोविजन ऑफ लोकेटिंग डिवाइसेस इन द मशीन, अब मशीन के अंदर लोकेटिंग डिवाइसेस का प्रोविजन है या नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी ड्रिल या जिग के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो उसको क्लैंपिंग करने के लिए, लोकेशन के लिए हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी चीज है वो होनी चाहिए, क्योंकि बिना लोकेशन के और दूसरा बिना आपके बिना लोकेशन वगैरह के जो हम उस पर कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अवेलेबल क्लैंपिंग अरेंजमेंट इन द मशीन, अब उस मशीन के अंदर क्लैंपिंग अरेंजमेंट है नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट क्लैंपिंग अरेंजमेंट होगा तो कार्य ठीक से होगा, अदरवाइज क्या होगा, जॉब जो है वाइब्रेट करेगी। अवेलेबल इंडेक्सिंग डिवाइसेस, देयर एक्यूरेसी, इंडेक्सिंग डिवाइसेस के लिए और उसकी एक्यूरेसी के लिए कुछ है। इंडेक्सिंग डिवाइसेस क्या होता है, एक सर्कुलर फ्लेंज टाइप में होती है और इसके सेंटर से अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स में क्या है, होल किए जाते हैं, ड्रिल किए जाते हैं, तो ये इंडेक्सिंग में आता है। तो इंडेक्सिंग डिवाइसेस और उसकी एक्यूरेसी हमको चेक कर लेनी चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ वेरिएबिलिटी इन द परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑफ द मशीन, अब मशीन किस तरह से रिजल्ट देगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कोई वेरिएबिलिटी तो नहीं है कि अभी मैंने काम किया तो ये इसमें मतलब ये पीस ऐसा बना, दूसरा किया तो दूसरा कैसा लगा, दूसरा अलग बना, ऐसा कुछ नहीं। तो उनकी जो हमको परफॉर्मेंस और उसकी वेरिएबिलिटी चेक करते रहना चाहिए, इसका इवोल्यूशन होना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इवोल्यूशन मीन्स मूल्यांकन। रिजिडिटी एंड ऑफ द मशीन टूल अंडर कंसिडरेशन, अब उसकी मजबूती, अब ये भी कि पार्ट्स बहुत बड़ा, जब जैसे ही हमने वर्क करना शुरू करा, ऑपरेशन करना शुरू करा कोई भी, तो मशीन हिलने लगी और हिल हिला करके जो वर्क पीस भी करोगे मशीन भी खराब होगी, तो इस चीज का ध्यान में रखना है। स्टडी ऑफ इजेक्टिंग डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस, अब किसी डिवाइस को कैसे निकालना, इजेक्ट माने बाहर निकालना, और सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमको जिग्स एंड फिक्सचर्स का डिजाइनिंग का निर्धारण करना चाहिए। और ये अभी हमारी जो क्लास हुई है जिग्स एंड फिक्सचर्स की, अभी इसके अंदर हमने आपको जिग्स क्या है, बुशेस क्या है, क्या क्लैंपिंग क्या होते हैं, या बुशिंग क्या है, या आपका लोकेशन लोकेशन क्या होती है, क्लैंप क्लैंपिंग क्या है, इन चीजों के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके सामने फिर हाजिर होंगे जिग्स के साथ और दूसरी वीडियो फिक्सचर्स के साथ, क्योंकि जिग्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं और फिक्सचर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए जब तक इनकी हमको डीपली नॉलेज नहीं होगी ये बेकार है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में और आपका बैच प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिग्स एंड फिक्सचर्स का किया जाता है। तो दोस्तों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद कृपया शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।